लगभग 9.5 घंटे की पूछताछ के बाद रांची के पूर्व डीसी और आईएएस छवि रंजन ईडी कार्यालय से बाहर निकल गए। उनसे सुबह 11 बजे से लेकर लगभग 8:30 बजे तक पूछताछ की गई। मामला था सेना की जमीन घोटाले से जुड़ा, साथ ही चेसायर होम्स का जो जमीन था उससे जुड़ा था और कई जमीन जो रांची के आसपास के क्षेत्रों में थे उसका हेरा फेरी का था। इसको लेकर उन्हें तीसरी बार समन जारी करते हुए आज ईडी कार्यालय बुलाया गया था और ईडी कार्यालय में वो बाकायदा 10:30 बजे ही पहुंच गए थे और 10:30 बजे पहुंचने के बाद लगभग 11 बजे जो थे जितने भी अधिकारी थे ईडी के वो पहुंचे और लगभग 11:30 बजे से उनसे पूछताछ शुरू हो गई। इसी बीच खबर आई कि जो 7 आरोपी थे ये पूरे जमीन घोटाले से जुड़े उनकी भी रिमांड अवधि पूरी हो गई है और उन्हें भी दोबारा फिर से पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया और फिर से 4 दिनों की रिमांड मांगी गई, लेकिन पीएमएलए कोर्ट से उन्हें 3 दिनों की रिमांड मिली। हालांकि फयाज खान को ईडी ने रिमांड के लिए नहीं अप्लाई किया था तो फयाज खान को ईडी की कोर्ट ने होटवार जेल भेज दिया है, लेकिन जो बचे जो 6 आरोपी थे अफसर अली, प्रदीप बागची समेत जो 6 लोग थे उन्हें फिर से रिमांड में लिया गया है। रिमांड लेने का कारण यह भी हो सकता है कि छवि रंजन के साथ उन जो 6 आरोपी हैं उन्हें बैठाया जाए, उनसे पूछताछ की जाए कि जो पूरा मामला है वो मामला शुरू कैसे हुआ, किस तरह से ये पूरा फर्जीवाड़ा हुआ और इसमें जो मैन रोल था वो किसका था, ये भी जो अहम बात थी वो भी खुलासा करने की कोशिश की जाएगी। लिहाजा इसी को देखते हुए जो 6 आरोपी थे उन्हें आज फिर से ईडी कार्यालय लाया गया है और उनसे ही पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ जो पूरे दिन भर की बात कह दे तो दिन भर उनसे कई अधिकारियों ने बारी बारी कर पूछताछ की, पूरे मामले का खुलासा करने का प्रयास किया गया कि किस तरह से जो फर्जीवाड़ा का जो मामला है वो किस तरह से अंजाम दिया जाता था, किस तरह से ये लोग जमीन को चिन्हित करते थे और कैसे उस जमीन को हेरा फेरी कर बेच देते थे, क्योंकि आरोप लगा है कि 4.5 एकड़ का जो सेना का जमीन था वो बेची गई है, साथ में रांची के आसपास के क्षेत्र के जो जमीन थे वो बेचे गए हैं। तो ये किस तरह से बेचा जाता था और जो अफसर अली है, फयाज खान है और प्रदीप बागची, क्योंकि कोलकाता से संबंध रखते थे और कोलकाता में इस तरह का डील तैयार किया जाता था और उसके बाद रांची में उस जमीन को खरीद लिया जाता था, तो इस तरह का जो पूरा जो सिंडिकेट था वो कैसे तैयार होता था, किस तरह से योजना बनाई जाती थी और जमीन को कैसे चिन्हित किया था, इस चीज़ को लेकर जो है अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की और मामला उजागर करने का प्रयास किया गया। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ उजागर होता है। हालांकि ये क्लियर नहीं हो पाया कि कल ईडी ने छवि रंजन को दोबारा ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए बुलाया है या नहीं बुलाया है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी अगर कल उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो ये जरूर कह सकते हैं कि कुछ अहम खुलासे जरूर हो सकते हैं और इन जो पूरा जमीन घोटाला है उसमें किस किस का रोल है ये भी सामने आ सकता है। न्यूज़ बायोस्कोप के लिए रांची से नीरज कुमार।